हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोजल चौधरी। तो ये वीडियो होने वाली है और भी धमाकेदार, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं जो मेरे पास गेम्स हैं PS5 के अंदर, जो मेरे पास गेम्स हैं सारी प्लेलिस्ट के बारे में बात करूंगा कि मैं कौन से गेम्स अभी खेल रहा हूँ और जो गेम्स मैं आगे वाली वीडियोज़ में खेलूँगा। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं और पहले गेम से शुरू करेंगे हम, क्योंकि पहला गेम है बहुत ज़्यादा धमाकेदार जो है गॉड ऑफ वॉर। तो पहला गेम हमारा है गॉड ऑफ वॉर। तो हमने ये 17% कंप्लीट कर लिया है जैसे आप देख सकते हो, और जो हमने इसमें टाइम स्पेंड किया है इस गेम को खेलने में वो है 13 घंटे। जैसे आप देख सकते हो 13 घंटे हमने गेम खेला है, और ये गेम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा। ये जब मैंने PS5 ख़रीदा तो उसके साथ में ही अटैच हुआ था, क्योंकि यार एक ही ड्रीम है गॉड ऑफ वॉर, मतलब ये गेम लेजेंडरी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने इसके अंदर बहुत ही सारी ट्रॉफीज भी जीती है, 3 ट्रॉफी जीती हुई है। तो चलिए अभी हम दूसरे गेम की तरफ चलते हैं। तो हम दूसरा गेम खेले कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर। ये बहुत ही खतरनाक है, इसमें वियतनाम रशिया के बीच जो वॉर छिड़ी हुई है उसके बीच का गेम है, और ग्राफिक्स इंटेंसिटी गेम की जो भाई जबरदस्त है, जबरदस्त। ये देखो थोड़ा सा अगर हम चला के देखो, ये कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर। ये PS5 जो प्लस होता है ना उसके सब्सक्रिप्शन के साथ आता है ये वाला गेम। तो जब भी आया था, जिस मंथ में आया था, मैंने उसी मंथ में डाउनलोड कर लिया, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स यार बहुत ही महंगे होते हैं ख़रीदने में, तो वो नहीं ख़रीद सकते हम। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त गेम लगा मुझे, और मैं इसमें ये बात है मैं इसको खेल पा रहा हूँ मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं इसमें जो है प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो इसको बंद कर देते हैं, हम नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं। हम देखिए कितना मस्त इसकी स्पीड है। फिर हम थर्ड गेम हम खेल रहे हैं GTA 5। इसका नाम लेना ही बहुत है इस गेम के बारे में, अगर आप शब्द बोलोगे वो ही काफ़ी है, कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है इस गेम के लिए, जितना ही गेम खतरनाक है ये। चलिए इसको भी बंद कर देते हैं और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है मैं उन गेम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। फोर्थ आ जाता है फोर्टनाइट। गेम बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इसको खेलने के लिए थोड़े से स्किल्स लेवल चाहिए और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था इसकी जो स्ट्रीमिंग है उस पर बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आते, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं डाउनलोड कर लूँ। तो ये अपडेट भी होने लग रहा है, जैसे ऊपर आप देख सकते हो फोर्टनाइट गेम अच्छा लगा मुझे ये, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है गेम, इसके अंदर जो बिल्डिंग्स बनानी होती है और कुछ है। तो यही कुछ मेरे 1, 2, 3, 4 ये कुछ गेम्स हैं, और गॉड ऑफ वॉर मेरा इसमें सबसे बेस्ट गेम है, सबसे ज़्यादा अच्छा है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक। भाई इस गेम ने आग लगा रखी है। इससे पहले मैंने वो भी खरीदे थे, वो खेलते स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड भी खेला था इसमें, कुछ फीफा भी आ जाए ना इसके अंदर तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, इसमें क्रिकेट वाला आ जाए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाए। क्रिकेट वाला गेम कभी इसमें फ्री नहीं होता, मतलब थोड़े से कम पैसे का भी नहीं होता क्रिकेट है जो गेम। तो इसको गॉड ऑफ वॉर को भी अभी हम बंद कर देते हैं। तो अभी हम चलते हैं फिर नेक्स्ट में, यह प्ले स्टेशन स्टोर, इसके अंदर प्ले स्टेशन प्लस के गेम्स कुछ अवेलेबल है ये, जो आप खेल सकते हो, डबल डिस्काउंट चला हुआ है गेम्स के ऊपर, ये कुछ डिस्काउंट में गेम अवेलेबल है हमारे पास में। 2K23 भी काफ़ी सही रेट में है, अवेलेबल है। तो भाई यही थी मेरी कुछ वीडियो मैं गेम बड़े ज़बरदस्त है जो भी मेरे पास है इंस्टॉल। तो आप बताइए कि कौन सा गेम खेलना चाहिए सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में, और जिसकी आप लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हो मैं लाइव स्ट्रीम कर देता हूँ जब भी मेरा टाइम मिलता है, और अगर आप भी चाहते हो कि मैं इस टाइम लाइव स्ट्रीम करूँ, इस टाइम आप मेरे साथ में लाइव टू लाइव इंटरेक्ट करेंगे गेम के बीच में, जो इसमें है ना ये माइक है इसका, इधर माइक है, तो इसमें आप लाइव टू लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो बिना हेडफोन के, ये बहुत ही कूल फीचर लगा मुझे। तो
इसे आप म्यूट भी कर सकते हो, बटन है इसमें, तो हम लाइव टू लाइव आपके साथ में आ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा गेम के बीच में। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अभी कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर कंप्लीट कर ले गेम, क्योंकि जो इसका कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 वो भी लॉन्च होने वाला है नवंबर में, तो मैं चाहता हूँ उससे पहले कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 और ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर की स्टोरी पूरी कंप्लीट कर लूँ। और उससे पहले मैं आने वाला है स्पाइडरमैन 2, इसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये इस वीडियो में कुछ यही थी मेरी बातें, तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कुछ बताना कि आप किस टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हो, गेम्स रिलेटेड, क्रिकेट रिलेटेड, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, सो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय।